गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रेम श्री निकेश्वरानंद स्वामी नमो सद्गुरु। श्रीनाथादि गुरुत्रयम् गणपति पीठ त्रयम् भैरवम् सिद्धगोपटक त्रयम् पदिकम् दुर्गिक्रम मंडलम् वीरानष्टदशेष्णवकम् वीरावली पंचकम् श्रीमन्मालिनी मंत्रासीकम् वंदे गुरुर् मंडलम्। अभी भंडारा के गोल्डी अशोक ये लोगों ने मुझे केस लगा दिया है, मेरा मूड बदलने के लिए कोई ना कोई ऐसा नृत्य। मैं पहले ही भावनाओं में बहने वाला आदमी, अगर ऐसे नृत्य लगा दिए मेरे सामने मैं भावना में ओरिजिनल प्रवचन भूल जाऊंगा और उसी में रह जाऊंगा। बात समझित हुआ। और है आज मैरिज डे का दिन, पहले माता जी बाहर बाजू में बैठी हुई, अभी इस मूड को फिर बाहर निकालने के लिए मुझे 5 मिनट लगेंगे। बहुत नृत्य सुंदर हुआ, गाना भी अच्छा हुआ, आशीर्वाद। अभी जो गाना गाए सत्यम शिवम सुंदरम का, एक बार गुरु पूर्णिमा थी और परम पूज्य सदगुरु जी गुरु पूर्णिमा लेकर चले गए। मेरे पास एक इनकम टैक्स कमिश्नर आए, इनकम टैक्स कमिश्नर आकर उन्होंने कहा कि इस संसार में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं गुरु जी, उसका अर्थ क्या है बता दो। 5 मिनट तक मुझे विचार करना पड़ा कि इसको अभी किस कहां से आरंभ करूं। सच्ची बात देखी जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ किसी को पता ही नहीं चलता। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है, कोई बोल सकते हैं सबसे बड़ा सत्य क्या है इस संसार का? जातस्य मरणम ध्रुवम, जो पैदा होता है वो मरेगा जरूर, यही सत्य है। संसार में जो पैदा हुआ वो जरूर मरता है, ये सत्य है। ये सत्य को जानकर काम करने वाला शिव है, और जब उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं तो कभी गलतियां नहीं करता। और जिसको मरने की गलतियां, मैं और जिंदा रहता हूं, मैं घर बांधूंगा, मेरे पोतों को देखूंगा, मेरे पोतियों को देखूंगा, मेरे पोतियों के लिए घर बांधूंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा, तो उसमें उसको पता नहीं चलता है कि वो कब मरने वाला है। उसके पोते पोतियों का क्या होने वाला है उसे को पता नहीं, लेकिन वो बांधते चले जाता है और उसको बांधने के लिए वो गलतियां करते रहता है, धन कमाने के लिए गलतियां करता है। लेकिन जिसे पता है कि मैं आज नहीं तो कल मरूंगा, वो कभी गलतियां नहीं करता, क्योंकि ये नश्वर है, मुझे जाना ही है, आज नहीं तो कल जाऊंगा ही जाऊंगा, ये कहता है। और यह जानना ही शिव तत्व को जानना है। जो इस शिव तत्व को जाना तो इस संसार की सुंदरता को पहचाना, और किसी को नुकसान धोखा नहीं देता, क्योंकि आज हूं कल क्या होगा मुझे भी पता नहीं, कल इसका भी क्या होगा मुझे पता नहीं। इस सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ, हम मृत्यु को पहचान कर मृत्युंजय बने, और वह मृत्युंजय मंत्र शिव का दिया हुआ है, और जो जाना इस संसार की सुंदरता को पहचाना, इसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। अभी रही नृत्य की बात, एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के पास बैठे हुए, बालक थे बैठे हुए थे। गुरु ने कहा, उनका नाम गौरांग था पहले, बाद में चैतन्य महाप्रभु हुआ, कि गौरांग तू क्या चाहता है? बोले, प्रभु मैं इस संसार में उस आनंद को हर एक में देखना चाहता हूं, और वो आनंद केवल मैं ही नहीं मेरे साथ सभी लोग अनुभव करें, इसके लिए मैं उस आनंद को देखना चाहता हूं। और एक बात बताओ कि ऐसा कोई संसार में ऐसा देवता है जो खुद भी आनंदित रहा और दूसरों को आनंद दिया, आनंद देने वाला ऐसा कोई देवता आप जानते हो तो बताओ। उनके गुरु ने कहा, ऐसा आनंद देने वाला एक ही भगवान था, और वो है षोडश कला वाला श्री कृष्ण, जो खुद भी आनंद से नाचता था और दूसरों को भी नचाता था, चाहे गोपिकाओं हो चाहे मथुराएं हो, कुछ भी हो, उसके साथ मथुरा हो मोर हो नाचता था, गायें भी गोपाल भी नाचते थे, सारे संसार को नाचता, खुद भी आनंदित रहता था। कभी आपने जीवन में सुना कृष्ण कभी रोया? झूठा झूठी तरीके से बचपन में रोया, कभी उसकी माँ जब बांध दी थी और जब उनको अपना विश्वरूप मुंह में बताने का कार्य हुआ तब बांध दिया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि तब भी वो रोए थे। ऐसे महान भाव श्री कृष्ण ने हम स्वयं आनंदित होते हुए दूसरों को आनंद की बांटने की क्रिया की। तब गौरांग महाप्रभु ने कहा, बस बिल्कुल मैं वही साधना करना चाहता हूँ। और गौरांग महाप्रभु बोले, उनके गुरु ने कहा, अरे मैं मंत्र दे सकता हूँ, मेरे को नाचने नहीं आता, तेरे को क्या सिखाऊंगा, ना मैं गोपिका हूँ, वो भी मुझे नहीं आता, मैं वो तो तुझे सिखा नहीं सकता। तो बोले, उसमें होता क्या है, होता क्या है? भगवान कृष्ण है, उसके साथ प्रेम में बैठे हुए हैं। कृष्ण कभी भी अपनी गोपिकाओं के साथ, अपनी राधा के साथ प्रकृति में देखकर अपनी बांसुरी बजाते थे और नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु ने
बांसुरी ली, पहले दिन सुर निकाला तो वह असुर हो गया, वो सुर ही ठीक नहीं निकला, लेकिन जैसे ही वो बजाते गए सुर निकलता गया। बाद में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वे सब, वे जब नाचते हुए अपना ढोल बजाते हुए घर में नाचते थे तो सारे लोग कहते थे अभी तू ढोल बंद कर, देख सब लोग घर में बड़े परेशान हैं। तो वो छुप कर बाहर जाके ढोल बजा दे, उनके दोस्त पहले पहले उसको चिढ़ाया करते थे, क्या दीवानापन लगाया हुआ है, तू ढोल बजाते नाचते रहता। लेकिन उनकी ढोल की आवाज पर जब मोर हिरन प्रकृति नाचने लगी, उनके दोस्त नाचने लगे, उनका सारा संसार नाचने लगा, वो कृष्णमय होकर इस तरह आनंदित होकर नाचने लगे कि संसार उनको ढोलते हुए नाचने और उस भक्ति में लीन होते हुए देखा गया। एक बार उनके पिताजी को और उनके गुरु को कहा गया, ये तुम्हारा चैतन्य गौरांग महाप्रभु है, ये हिंदू धर्म का प्रचार करता है, कृष्ण भगवान का प्रचार करता है, ये गली गलियों में ढोलक बजाते हुए नाचते हुए बता देता है कि उसके कृष्ण भगवान, इसकी प्रचार हो जाए। तब कलकत्ता में नवाब लोगों का पालन पोषण था, वो राजा थे, ये बात कहा कही गई तो नवाब ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का भजन बंद किया जाए। चैतन्य महाप्रभु तो सुनने वाले नहीं, वो अपने अपना भजन बजाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या कहा, अपने सैनिकों को भेज दिया और वो जैसा भी है उसको पकड़ के यहां लाओ, ऐसा ऐसी आज्ञा दी गई। चैतन्य महाप्रभु को गए पकड़ कर लाने, और जब चैतन्य महाप्रभु अपने ढोल बजाते हुए कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया का भजन गाते हुए रहते, उनके दोस्तों के साथ गा रहे थे, ये जो जितने भी सैनिक गए हुए थे वो उनके भजन को ढोल की आवाज पर वे भी नाचने लगे, वो भूल गए कि उन्हें राजा ने बुलाया है। उनके भक्ति में उतने लीन हो गए कि उनके बाद जब उनका भजन बंद हो गया तो उन सैनिकों को पूछा गया कि आप किस लिए आए हैं। अरे हम किस लिए आए, नवाब ने आपको पकड़ने के लिए भेजा, फिर क्यों पकड़ते क्यों नहीं, अब क्या पकड़ेंगे, हम भी नाचे, अगर नवाब को पता चल गया कि हमने तुम्हारे साथ नाचा है तो हम भी दो मार पड़ जाएंगे, अरे यार तुम मत बोलो कि हमने तुम्हारे साथ नाचा है, हम बोले तुम नहीं मिलेंगे, ये कहते हुए चले। नवाब ने पूछा क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखे है, प्रभु कहा वो मिलता कहाँ है, कहीं ऊपर जाके बजाता है और उसकी आवाज को हम सुन सकते नहीं और उसको पकड़ना बड़ी मुश्किल है। बोले तुम नहीं तो अब सभी लोगों को बोला कि किसी भी तरह उसको पकड़ के लाना है। तो चैतन्य महाप्रभु जब निद्रित थे तब पकड़ के ले जाया गया और नवाब के साथ, नवाब के नवाब के सामने खड़ा कर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम, तुम्हारे ऊपर क्या अभियोग लगाया, बोले कि तुम हिंदू धर्म का प्रचार करते हो कृष्ण के नाम से, दूसरे धर्मों का तुम प्रचार नहीं करने देते और तुम्हारे सामने लोगों को लेकर गली गली घूमते हो, लोग सब कुछ भी काम नहीं करते हुए तुम्हारे साथ आज नाच गानों में घूम रहे हैं और यह ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु मैं, मेरे बस की बात नहीं है, जब कृष्णमय हो जाता हूं, भावनामय हो जाता हूं तो मैं बह जाता हूं और गाना गाता हूं, इसमें मेरा क्या है। नवाब ने कहा आज से तुम्हारा गाना वाना सब बंद और तुम्हारे ढोलक बिलक सब खींच लिए जाएंगे, आज नाचा था तुम्हारे शिष्य और सब लोग, सभी लोगों को अंदर कर दिया जाएगा, ये बता दिया गया। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू आए, बोले कि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, हे प्रभु ये क्या हो गया, न मैं आनंद बांट सकता हूँ न आनंद लेने के लिए तैयार, अभी आपको ही कुछ करना है। ऐसा जब कृष्ण भगवान को चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की तो देखते क्या है कि उस नवाब को जीतने के लिए दूसरा एक नवाब आक्रमण करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना लेकर राज्य के बाहर खड़ा हुआ है, ये पता चला। पता चलते ही नवाब थोड़ी देर के लिए डर गया कि अब कैसा करें, बोले चैतन्य महाप्रभु हटा दो, सब लोग सैन्य आक्रमण करने के लिए चले, सभी लोगों तैयारी करो, सब प्रभु अभी का तैयारी करेंगे, वो तो राज्य के पास तक आ गए, अब हमारे पास तैयारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हारने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा इलाज नहीं है। चिंतित हो गए क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु मेरा ढोल मुझे दे दीजिए, मुझे मेरा छोड़ दीजिए, मैं मेरा कार्य कर लेता हूँ, तुम तुम्हारा कार्य करो, या मरने पर पड़ी हो तुम तुम्हारी ढोल की बात में, इसको ढोल दे दो, बोले ढोल दे दो और लोगों को दे दिया गया। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही राज्य के बाहर आए अपनी कृष्ण की भक्ति शुरू कर दिए और ढोल बजाने लगे, ढोल ऐसे बजाए कि उनके ऊपर आक्रमण करने के वाले जो आए थे हाथी घोड़ियों के साथ नाचने लगे। नवाब देखते रह गया कि हुआ क्या, नवाब ने कहा ये क्या हो गया है,
अगले वाला आक्रमण जो करने वाला आया, उन्होंने कहा कि जिसके इसमें इतनी मधुर गान हो, मेरे घोड़े मेरे सैनिक भी नाचते हो, मैं भी इस गान को सूझता हूँ। मैं आक्रमण के बारे में कुछ नहीं चाहता, तेरे एक चैतन्य महाप्रभु को मेरे दे दे, मैं इस पर आक्रमण नहीं करता, एक चैतन्य महाप्रभु को मुझे दे दे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु मैं कोई देने और लेने वाली चीज हूं क्या? कोई खरीदी फरोख्त करने वाली चीज हूं? मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, आप जिस दिन भगवान कृष्ण का विग्रह आपके पास रखेंगे मैं जरूर आपके घर में हाजिर होऊंगा। ये नवाब तो कृष्ण की भक्ति नहीं करने के कहते। अरे अरे नहीं नहीं बड़े, मैं पहले कृष्ण की भक्ति करता हूं, तू यहीं रह जा, तो मत जा। चैतन्य महाप्रभु की उस स्थिति को जो नृत्य करते हुए उन्होंने इस संसार को जीता था, वही कार्य उसके बाद हमारी सबसे बड़ी भक्त कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई कहते हुए गलियों में नाचने वाली राजकन्या राजकुमारी मीराबाई जब अपने घर में गई, माता ने कहा कि ये रोज क्या करती हो? माता एक बार मीराबाई देखी उनकी बहन के घर में कोई शादी हो रही थी, तो मीरा ने पूछा कि माँ मेरी शादी किसके साथ करूँ? वो तू जो सुबह बचपन में छोटी थी तंग कर रही थी, तो कहा तेरी शादी कृष्ण के साथ करूंगी। कृष्ण का विग्रह उनके घर में था, उस दिन से वो कृष्ण के साथ लगती थी, कृष्ण को नए कपड़े पहनाती, लड्डू रखती थी, शादी का जितना भी होता था खुद भी श्रृंगार करती थी और उनके सामने पति की भांति नाचती थी। शादी ये दिन ब दिन जब बढ़ता गया वो बड़ी हुई, मीरा की शादी का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा, माँ ने पहले नहीं कहा है, मैं तो प्रेम कृष्ण के साथ करते बैठी, मैं किसके साथ मेरा जीवन दे सकूंगी? मेरे से यह काम नहीं होगा। आगे की कहानी सब आपको मालूम है। विष पीने वाली भी मीरा, विष को अमृत में ढालकर कृष्ण ने जिसको रक्षा किया, गली गली में राजकुमारी होकर भी, एक राजकन्या होकर भी उसने नृत्य किया और उसके पीछे सारे संसार को लगाया। ऐसे यह नृत्य भी एक भक्ति है, गान भी एक भक्ति है, जिससे भगवान रिश्ता है सारे संसार को बदलने की शक्ति रखती है, जिसमें भावनाओं में और इस नृत्य में यह श्रेष्ठता है। लेकिन सभी ये बात है कि आप कहेंगे गुरुजी फिर आप क्यों नाचते नहीं, क्यों नहीं नाचते? सभी के बस की बात नहीं, कोई ऐसा ही विरला होता है जिसको नाच या गाने में या उसकी उस कला में उसको एक प्रसन्नता एक श्रेष्ठता होती है। और मुझे कहो तो ना गाना आता है, ना नाचना आता है, ना ढोल बजाना आता है, लेकिन भक्ति अपनी अपनी कार्य रखती है। जिस दिन अगर आज हमारे गोल्डी और उनके साथी, अक्षय और उनके साथी, और वो लड़की गाना गाते हुए मुझ जैसे को दो मिनट के लिए आप सभी से और गुरु से एकदम गुरु भावना से दूर करते हैं, उसके नाच में मेरे को वो पलटा दी है, तो बोलो कि नाच में कितनी श्रेष्ठता है। यही बात भगवान शिव जी कहते थे कि तांडव नृत्य ऐसा नृत्य है। भगवान शिव जी ने भी तांडव नृत्य किया, मोहिनी बनकर कृष्ण भी, विष्णु भी नाचे, कृष्ण बनकर कृष्ण भी नाचे। इस नाच गान में गुरु जी कहा करते थे, जो गुरु के सामने नाचा, जो गुरु के सामने गाया, वो संसार को नचा सकता है, संसार को अपने हाथों पर लेकर नचा सकता है। इस श्रेष्ठता को अपने हाथ में रखते हुए, अपने गान में रखते हुए, मैं आज जिन्होंने भी ये गाना सुनाया और ये नृत्य प्रदर्शन किया, उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि मैं हमारे सिद्धाश्रम साधक परिवार के लोग साधनाओं के साथ साथ इस भावनाओं के लिए 5 मिनट के लिए भी अगर वो आनंद अनुभव करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी साधना सिद्ध कर ली। उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो ऐसा कार्य करें। अभी रही बात आज की, आज पाणी ग्रहण महोत्सव है, हमारी शादी होगी 81 का कितना हुआ, 81 कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 36 साल हो गए, 36 साल में समझो 18 साल यूं ही गुजर गए। कभी कभी माता जी पिताजी बैठे हुए होते हैं तो अब आपको पहले भी सुनाया था, फिर भी सुनाता हूँ एक बार, गुस्सा आएगा। माता जी की बड़ी बहन बैठी हुई है, उनके पास ही शादी थी, भोजन से निकले तो एक खटारा जीप में रात में आए हैं, वो भी रात का 12 बजे का समय था, नींद आ रही थी। माता जी आदिलाबाद से बस में आई, वो भी खटारा बस में, सुबह निकली तो शाम में पहुंची वहां। शादी दूसरे हुई पहले दिन, दूसरे दिन जा रहे तो हमारी जीप नहीं आई, फिर बस में बैठना पड़ा, वो भी खटारा बस, फिर भोजन तक। तो मैं कभी कभी माता पिता के पास कहता हूं कि भा मां तुमने क्या शादी की, देख मेरे गुरुजी मेरी शादी करते हैं, जबरदस्त करते हैं। आज जब से गुरुजी से मिला हूं, मैंने गुरुजी के लिए कुछ किया है नहीं किया है ये पता नहीं, मैंने गुरुजी सेवा की है नहीं, लेकिन मेरे शादी का महोत्सव शायद मेरे माता पिता और वो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये सच्ची शादी है, हमने की थी,
जो बस खिलौने वाली शादी थी। ये गुरु कृपा है कि मैं आज ऐसी शादी की सालगिरह कम से कम 18 सालों से अनुभव कर रहा हूँ, और ये परम पुण्य सतगुरुदेव जी की कृपा है। ये शादी की सालगिरह मनाने वाले केवल केवल मेरे गुरु जी है, और वे गुरु जी के भक्त हैं जो जिन्होंने गुरु मंत्र को लिया है और गुरु मंत्र को लेकर उस आनंद को बांटना चाहते हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूं। एक बार इससे पहले भी मैंने बताया था, 5 जून 1998 गुरु जी का मेरा जहां तक ख्याल है, मैं जोधपुर गया था, और उसके बाद जुलाई में गुरु पूर्णिमा थी। गुरु जी बहुत बीमार थे, जोधपुर में ही पाणिग्रहण महोत्सव था। गुरु जी ने बुलाया था कि तुम आ जाओ, मैं गया। सुबह से पाणिग्रहण महोत्सव का ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था जोधपुर में, और वो लोग देखकर पाणिग्रहण महोत्सव मना रहे थे, श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे। उस दिन यंत्र बनाए गए, फूल मालाएं सब की गई, लेकिन शाम के समय में ऐसा ही मुझे पहुंचने में देरी होगी, और मैं पहुंचा, गुरु जी ऐसा स्टेज पर आके बैठ गए। गुरु जी को पता चला कि मैं हैदराबाद से आऊं। गुरु जी उतने भी बीमार थे, माता जी भी बैठी थी, बोले हैदराबाद से जोशी आया है, वो स्टेज पे आ जाए। मैं श्रीवास्तव जी तब तक बात कर रहे, मैं जैसा ही आया, जोशी बोले हाँ दो शब्द बोल ले। मुझे लगा गुरु जी एकदम खड़े होते, दो शब्द बोल ले क्या बोलू। हुआ ये था कि एक 8 दिन पहले ही मैं श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर में, जहां रोज शिवजी का और माता पार्वती का कल्याण यानी विवाह होता है रोज शाम में, उसको टिकट दी जाती है। जिनके घर में शादियां नहीं होती, जिनके घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता, उनका कल्याण महोत्सव होता है। तो मैं वो कार्य देख कर आ रहा था, मुझे याद आया, मैंने कहा हमारे गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानते हैं, और उस गुरु का अगर हम पाणी ग्रहण महोत्सव या विवाह महोत्सव हम हमारे घर में करते हैं हर साल, ये तो हर साल करने की क्रिया है, लेकिन देवताओं का पाणी ग्रहण महोत्सव आज तिरुपति बालाजी में हो, या श्रीशैलम के जितने भी दक्षिणपंथी बड़े बड़े देवालय है उसमें रोज कल्याण होता है, रोज देवी देवताओं का विवाह मनाया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। जिनके घर में शादियां नहीं होती, जिनके घर में शुभ कार्य नहीं होता, उनके घर में यह कार्य किया जाता है। मैंने उस दिन यही बात कही कि आज हमारे लिए परम पूज्य सतगुरुदेव जी देवता है, अगर हम उनका पाणी ग्रहण महोत्सव मनाते हैं तो मैं कहता हूं कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनके घर में कभी अशुभता नहीं होगी, सारी शुभ कार्य होगी, और उनके घर में सारा शुभ कार्य ही मनाएंगे जिन्होंने पाणी ग्रहण महोत्सव मनाया, कभी उनके घर में अशुभता नहीं आएगी और कल्याण उत्सव ही होगा। पर मुझे याद है आज वो दिन भी, परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने मुझे बुलाकर मेरी पीठ थपथपाई थी और कहा था यही तो इसी तरह ही बात करता है, इसी तरह बात करने के लिए बुलाया था। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उस दिन मैं जैसा ही ये बात कहा, साधना की जितनी सामग्री थी वो खत्म हो गई, क्योंकि कल्याण महोत्सव के लिए गुरु जी ने कहा था वो यंत्र जिनके घर में भी आज भी एक पत्ते पर गुरु जी और माता जी का फोटो है, वो हैदराबाद से दिया हुआ था, गुरु जी ने 2000 का भी मनाने के लिए कहा था। उस फोटो के साथ वो जब दिया गया और कहा कि ये जिनके घर में ये फोटो रहेगा गुरु जी का माता जी का, और उसके साथ यंत्र रहेगा, उनके घर में कभी अशुभता नहीं होगी और शुभ ही शुभ होगा, और उनके घर में शुभ कार्य होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं वो फोटो मेरे घर में है, और मैंने मेरे घर में अशुभता आज तक नहीं देखी। मैंने जो कुछ भी देखा है, जहां भी मैंने गुरु जी की पूजा की है, मैंने शुभता ही शुभता देखी है। ये मेरा अपना अनुभव है, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, पाणी ग्रहण महोत्सव किसी देवता का या गुरु का यूं ही नहीं होता, उसके लिए अपना सब समर्पण अपने घर में शुभता के लिए होता है, और यह शुभता आप सभी को प्राप्त हो ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने भी पाणी ग्रहण महोत्सव आज इस नर्मदा नदी के किनारे हम आकर इस शूलपाणेश्वर, जिसे आप शूलपाणेश्वर कहते हो, मैंने रेवाखंड के यानी रेवा नदी के बारे में स्कंद पुराण में एक रेवाखंड नाम था, नर्मदा नदी के तट पर जितने भी देवी देवताएं हैं उनके बारे में पुस्तक में लिखा गया है कि कौन से हैं। तो वहां एक जगह सुपर्णेश्वर का नाम आया है, और वो एक गोरा नाम के गांव में ही उस देवता की स्थापना हुई, और ये देवता की स्थापना कब हुई इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान इंद्र जब अहिल्या माता को गौतम की, जो गौतम महर्षि की पत्नी थी, उनको छेड़ने के लिए आए और गौतम महर्षि से शापग्रस्त हुए। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के पीछे सारा संसार कटु था। इंद्र को किसी भी तरह लगा कि इसको एक बार किसी भी तरह भोगना ही चाहिए, और वो गौतम महर्षि सुबह उठकर संध्या के लिए चले जाते थे जब तारे और सूर्य उगने के लिए समय होता था।
जैसा ही एक दिन उन्होंने क्या किया, इंद्र को जब दुष्ट बुद्धि आ जाती है तो बुद्धि खराब हो जाती है, तब इंद्र ने छोटा सा मुर्गा बनकर जो आवाज लगाई, जैसा बांग सुबह होता है तो मुर्गा बोला तो प्रातः हो गया ऐसा लगता है, और ऋषि गौतम महर्षि अपने घर से निकल गए कि प्रातः हो गई। और इंद्र जैसे ही गौतम महर्षि गए, गौतम महर्षि का वेश डालकर अहिल्या के पास आए और उनको अपनी इच्छा अनुसार अपनी कामवासना को बुझाने के लिए जैसे ही आए, लेकिन जब गौतम महर्षि बाहर देखते हैं तो अभी तारे तो आकाश में उठे, इतनी सुबह ऐसा कैसा हुआ। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो ये इंद्र का कारस्थान है। वे घर में आए, इंद्र को देखा और इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि हे इंद्र, हे दुष्ट बुद्धि वाले इंद्र, तू जिस वासना के लिए आए तेरे शरीर में सारे इतने ही दुष्ट आंखों वाले तेरे आंखें सारे आंखें वैसे ही बन जाए और तेरी दुष्टता बनी रहे। 1000 आंखों वाले इंद्र बन गए, उनको शापग्रस्त हुए। उसके बाद उन्होंने माता अहिल्या को भी शाप दे दिया, कहा कि तूने इंद्र के साथ संबंध जोड़ा, मैं इसलिए तुझे शाप देता हूं। अहिल्या ने कहा मेरी गलती क्या है, वो तो तुम्हारे वेश में आया था, मैंने मैं समझा तुम ही जाकर वापस आ गए और मैं उसको पहचान नहीं सकी और आपने मुझे शाप दे दिया। गौतम महर्षि कहते हैं कि जिस तरह आग हो, मालूम हो या ना मालूम हो, हाथ लगाए हो तो जला देता है, उसका कर्तव्य को जला ही देता है। तुम जली हो, इसका प्रायश्चित अलग होगा, मैं मलम लगाऊंगा और मलम लगाने वाला आएगा। तब अहिल्या जब रो रही थी, उसको पत्थर बन जाने की श्राप देने के बाद रामचंद्र जब यहां से गुजरेंगे उनकी धूली तुझे लगेगी, उस दिन तेरा उद्धार होगा, ऐसा गौतम महर्षि ने उनको कहते हुए उनका उद्धार किया था। उस उद्धार के समय माता अहिल्या ने कहा कि माँ, मैं बिना गलती के शापग्रस्त ही हूं, मुझे किसी भी तरह तू मेरी रक्षा कर। तब अपर्णा के रूप में माता पार्वती ने कहा कि मैं तेरे ऊपर दूसरी धूल ना चढ़ जाए, इसलिए तेरे आजू बाजू में ऐसे वृक्ष लगाती हूँ, ऐसे वृक्षों का ताना बाना बनाती हूँ कि उसके ऊपर दूसरी धूल ना चढ़े, वो पवित्र रामचंद्र जी जब आएंगे उनकी ही धूल तुझे लगे और तू श्राप मुक्त हो जा। तब उन्होंने कहा, महर्षि गौतम को भी लगा कि मैं अकारण अहिल्या को मैंने श्राप दिया है। तब उन्होंने भगवान सूर्यपाणि शिव जी की प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, मैंने अनावश्यक रूप से मेरे पत्नी को मैंने श्राप दे दिया, इसके लिए मुझे भी प्रायश्चित करना है, मुझे क्या करना है। तब गौतम महर्षि ने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसे सुपर्णेश्वर शिवलिंग कहा गया, और उसकी आराधना करने वाला इस संसार में कहते हैं कि वो गलती से कोई उसके ऊपर श्राप हो गया, वो गलती से ना मालूम होते हुए उसने कोई गलती की शापग्रस्त हो गया हो, जो इस सुपर्णेश्वर महादेव की विशिष्टता के साथ पूजा करता है, या अपने जीवन में गलतियां हो गई हो, कोई साधना में सिद्धियां नहीं मिलती हो, शापग्रस्त हो गया हो, कोई पूर्वजनों से पितरों से देवताओं से शापग्रस्त हो गया हो, या अपनी गलतियों के कारण ही उसमें कोई देवता पितर गुरु इन सभी से अवकृपा प्राप्त हो गया या उनकी कृपा नहीं हो, तब इस सुपर्णेश्वर महादेव को विशिष्टता के साथ जिसने साधना संपन्न की वह उस शापों से मुक्त हो जाता है, और निश्चित रूप से नर्मदा में स्नान करके इस सुपर्णेश्वर महादेव को 108 बिल्व पत्र विशिष्ट मंत्रों के साथ चढ़ाते हुए 5 बिल्व उसको प्रसाद के रूप में लेता है, और उस 5 बिल्वों को रोज एक माला मंत्र करते हुए उसका सेवन करता है, तो उसके शरीर में पूर्व जन्म से किए हुए या इस जन्म से किए हुए सारी गलतियों और सारे पापों का प्रायश्चित होता है, उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, उसके ऊपर देवता की कृपा होती है, इसे सुपर्णेश्वर कहा गया। तुम्हें बिल्व भी नहीं मिले, कोई भी परने पत्ते कोई भी चढ़ाकर शिव जी की आराधना कर सकते हैं। उस समय जो मंत्र दिया गया, जो शिव जी के पास आराधना करते हुए जिस मंत्र को कहा गया, उस मंत्र को अपने घर में 5 दिन इस सुपर्णेश्वर महादेव के शिवलिंग का यंत्र एक विशिष्ट मुहूर्त में बना दिया जाता है। उस यंत्र पर अगर हम 108 बिल्व पत्र चढ़ाकर 12 दिए लगकर एक पीले कपड़े पर उस यंत्र को रखकर 12 दिए लगाकर अगर हम 108 बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और उसकी 51 माला मंत्र जप करते हुए उसको सिद्ध कर लेते हैं उस यंत्र को, जब कभी भी ऐसा लगे कि हम शापग्रस्त हैं, हमने हमारे जीवन में गलती हो गई है, हमारे जीवन में हम नहीं करने चाहिए अपने पिता अपने माता अपने गुरु अपने लोगों को कभी दुख दिया है या उनके मन से कोई दुख भरी आवाज चित्कार सुनी है, तो ऐसे समय में अगर हम ये साधना करते हैं तो हमारे जीवन में कभी ऐसे शापग्रस्त होने हो भी लगे या नहीं भी हुए
या होते हैं या अपना मन कहता है, तभी साधना को जो कर लेता है उसके जीवन में एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, एक प्रकार की आत्म शांति प्राप्त होती है। इस साधना को करने वाला साधक इस नर्मदा नदी के किनारे शूल पाणेश्वर महादेव के पास अगर इस साधना को संपन्न करता है, 51 माला पूर्ण जप करता है, तो यत्र सिद्ध किया हुआ तुम्हारे जीवन में मालूम होकर या नहीं मालूम होकर आपके हाथों से गलती हुई और उस गलती का आपका मन कभी कचोटता है, प्रायश्चित करना चाहता है, तो इस मंत्र को कर लें और आप उस 5 बिल्वपत्रों को रोज एक माना करते हुए सेवन करें, तो आपके शरीर का, आपके मस्तिष्क में जो भी उसके साथ उस शाप से रोग आदि आए हुए हैं या शरीर में मस्तिष्क में किसी प्रकार की चंचलता चल रही है, तो उस शाप से मुक्त हो जाते हैं। और आपको पता है जब मन बुद्धि चंचलता ये सब अपने को परेशान करने लगते हैं तब किसी प्रकार की साधना नहीं होती, और साधना करते भी हैं तो अपना दिल नहीं लगता। लेकिन यह साधना एक ऐसी साधना है जिसे महर्षि गौतम जी को भी, गौतम जी ने उन लोगों के लिए बनाई जो लोग अपने जीवन में गलतियां करने के बाद साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं करते। कहते हैं कि भगवान इंद्र ने भी यह साधना संपन्न की थी और शाप मुक्त हो गए भगवान शिव जी की कृपा से। आज हम इस महादेव जी के पास अगर अपने जीवन को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, मैंने जो रेवाखंड में देखा उस विशिष्ट मंत्र को, आज तक ये मंत्र कभी मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन इस मंत्र को लिखकर मैंने इस साधना को संपन्न किया है। आज या कल इस क्षेत्र में बैठे बैठे कोई भी साधक 51 माला यंत्र के सामने संपूर्ण करता है तो उसे निश्चित रूप से उसके किए हुए गलतियों का, उसके किए हुए पापों का प्रायश्चित मिलता है, और वो अपने कार्यों में जहां उसको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती उस सिद्धि को प्राप्त करने वाला कहा जाता है। उसके जीवन में साधनाओं में सफलता हो, कार्यों में सफलता नहीं मिलती हो, अपने घर में भी अनिश्चितता हो, घर में गृहस्थ सुख नहीं मिलता हो, या अपने ऊपर किसी प्रकार की निंदा आई हुई हो, तो इस सारी चीजों का उपशमन इस साधना से संपन्न होता है। मैंने वो साधना लिख कर रखी है और इस क्षेत्र में, ये शिवरूपाणी क्षेत्र या सुपर्णेश्वर महादेव का क्षेत्र कहा गया है, इस साधना में 108 बिल्वपत्र यंत्र पर चढ़ाते हुए 12 दीपकों को लगाकर आज रात में हो या कल सुबह सुबह अगर इस साधना को संपन्न करते हैं तो आप अपने जीवन को उज्जवल बनाने वाले साधक कहलाएंगे। ये मेरा कर्तव्य है कि आपको एक अच्छे मार्ग पर लगाएं। मैं भी इस साधना को इसलिए संपन्न करता हूं कि कभी आप भी मेरे पास कभी कभी आते हैं, गुरु जी हमारे जीवन में गलती हुई तो उस गलती को मैं लेकर नहीं, मैं भी बांटना चाहता हूं। अगर ये साधना करता हूं तो आपके किए हुए पापों का अगर आप मुझे नमस्कार करते हैं तो कुछ भाग मेरे ऊपर भी आता है और उसका प्रायश्चित मुझे करना होता है। यह प्रायश्चित रूपी इस साधना को जो अपने जीवन में करता है उस साधनाओं में सफलता प्राप्त करने वाला कहला गया है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यह साधना नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर के पास ये साधना करवाई थी। और हमारे जीवन में साधना एक ऐसी सरिता है, हम समुद्र में मिलने की क्रिया है। अगर गुरु जी के सिद्धाश्रम तक हमें मिलना है तो हमें बहना है, साधना है हमारे जीवन में करनी ही है। आपको पता है कि इस यह नर्मदा नदी जब ओंकार के उस कुंड से बाहर निकलती है तो एक छोटी धारा में बनकर निकलती है, लेकिन उसमें जब साधनाओं के अनेक नदियां आकर मिलती है तो जब तक कच्छ या भुज या यहां तक आती है तो उसका बड़ा, बहुत बड़ा भाग नदी के रूप में बहता हुआ नजर आता है। आप जितनी साधनाएं करो, जितनी सरिताएं, जितनी आपके जीवन की साधनाओं में ये नदियां मिलती गई, आप महानदी बनेंगे, और महानदी बनकर जब प्रभाव करोगे तो निश्चित रूप से आप समुद्र में ही मिलोगे। और ये समुद्र हमारे जीवन का ईश्वर है, भगवान है, सद्गुरुदेव है, सिद्धाश्रम। जब तक साधनाएं करते रहोगे आपको साधना मार्ग ही आपको सिद्धाश्रम तक ले जाएगा, ये मेरा अनुभव है। आज भी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैंने अगर कोई साधना ना की हो। मैं अगर गुरु मंत्र जप नहीं करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ गलती की, और यही कारण है आज एक साधारण जीवन जीने वाला मैं गुजरात में आकर हो या लंदन जाकर हो या और कहीं भी देश की किसी भी सीमा पर या हैदराबाद में, मैं जिस चीज को अनुभव करता हूँ बार बार, रोज शाम में रात में सोते समय पत्नी भी हो तो उसके पास कहता हूँ कि ये गुरुजी का ऋण हमारे से चुकने वाला नहीं। गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया है, मैंने गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया, और मैं गुरुजी के लिए क्या कर सकता हूँ, तो साधना कर सकता हूँ। अगर उनका नाम मैं गुरुजी का नाम अगर संसार में उज्ज्वलता से बता सका, लोक कल्याणार्थ, समाज कल्याणार्थ बता सका, इस साधनाओं के मार्ग से मैं समाज कल्याण कर सकता हूँ, लोक कल्याण कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। यही कारण है मैं गुरु बन के नहीं आपके सामने वो शिष्य बनकर, वो साधक बनकर आया हूँ जो आपके जीवन में जीवन को भी मार्गदर्शन दे सकूं और मैं भी कुछ मेरे गुरु जी के लिए कुछ कर सकूं। श्री निखिल चेतना केंद्र के हैदराबाद की स्थापना केवल इसलिए की गई है कि आपको साधना स्थल जब ना मिले, मार्गदर्शन ना मिले, तब आप निखिल चेतना केंद्र में इस साधना को संपन्न कर सकें।
मैं आपके जीवन में अगर मैं आज बहुत बड़ी साधना रात में भी करना चाहता हूं, लेकिन उतनी बड़ी साधना आप बहुत थके हैं और आपको उतनी बड़ी साधना अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन ये साधना अगर आप संपन्न करते हैं तो ठीक है। मेरा जहां तक विचार है कि आज रात में नदी के किनारे जाकर जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने साधना संपन्न की थी वो साधना रात में संपन्न, तब से लालायित हूं। जैसे आप मिठाई खाने के लिए, आपको जो प्रीतिकर वस्तु है उसे प्राप्त करने के लिए आप जिससे लालायित होते हैं, मैं जब नदी का किनारा देखता हूं और वहां के देवताओं को देखता हूं तो लगता है कि यहां जरूर ऐसी विशेष साधना करनी चाहिए जिससे भगवान की कृपा, सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आज जो मैंने 51 माला की जो सुपर्णेश्वर की साधना कही गई है उसमें कहा गया है कि ये साधना करने वाला निश्चित रूप से आपके जीवन में जो प्रीतिकर वस्तु है, जिसे आप ज्यादा प्रेम करते हो, जो चाहते हो कि मेरे जीवन में प्राप्त हो, उसे निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे और सुपर्णेश्वर महादेव के इस क्षेत्र में ही करना चाहिए। आज वो शुभ दिन हमारे जीवन में है, हम बाद में फिर कब आएंगे, शायद गुजरात वाले लोग यहाँ आके कर सकते हैं, लेकिन हम जो बाहर से आए हैं या कोई भी आए हैं यहाँ इस साधना को आज संपन्न करते हैं और अपने गुरु के सम्मुख संपन्न करते हैं, तो जरूर उसका आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज, आपका शायद नौकरी हो, आपके घर में बेटी की शादी हो, ऐसी कोई प्रीतिकर एक समस्या हो, वस्तु हो जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस साधना को निश्चित रूप से करें। मैंने ये साधना संपन्न करवाई है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा हो तो आज रात में मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सुबह से बहुत दूर से आए हुए हैं और गुजरात के लोग भी नृत्य करते हुए वैसे ही हमें परोसते हुए भी, हमें खाना परोसते हुए भी थक गए। मैं कल के दिन कल की साधना की विशेषता कल ही बताऊंगा। कल फिर नर्मदा स्नान जरूर करेंगे, उसके साथ साथ हम कल इंद्रेश्वर भगवान की साधना करने के लिए जाएंगे। मैंने गत बार जब यहाँ आया था तो इंद्रेश्वर भगवान के पास विशेष स्मशान और एक गुफा में माता काली की मूर्ति को देखा था, तब से मेरा जीवन कहता था कि वहां मैंने सभी साधकों को उसी दिन उसी समय होम करते हुए उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं, यहाँ कर सकता हूँ, ये मेरा एक विशिष्ट दृढ़ संकल्प था। और आज गुजरात के साधकों ने, केवड़िया के साधकों ने वो मेरी इच्छा पूर्ण की। कल हम इंद्रेश्वर भगवान के पास बैठकर नर्मदा स्नान के बाद एक विशिष्ट साधना संपन्न करेंगे, उसका होम रात में करते हुए आप जो भी इच्छा बोल लो, मैं कहता हूँ कि 40 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से वो आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये कहते हुए मैं आपको यहाँ विराम देता हूँ और एक बार हम प्रभु जी सद्गुरुदेव जी का जय घोष करेंगे और गोल्डी और लोगों से 2-3 अच्छे भजन सुनेंगे और बाद में आज खाना खाकर सभी लोग रस विश्राम ले लेंगे। मैं एक बार जय घोष करता हूँ, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुपुत्र गुरुदेव की, नम सिद्धाश्रम की, नम सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। ठीक है, आज रात में या कल सुबह 10 बजे तक अगर यहाँ इस क्षेत्र में साधना को संपन्न करते हो और आपकी इच्छा जो भी बोल लेते हो, उसके बाद मैं उसकी शक्तिपात दीक्षा कल सुबह नर्मदा स्नान के बाद दूंगा, आप इच्छा बोलो और वो साधना आप संपन्न कर सकते हैं। साधना की सामग्री रघुजन जी के पास है, आप चाहे तो ले सकते हैं। आशीर्वाद देता हूँ कि साधना आप सब लोग इसी क्षेत्र में संपन्न करें। आशीर्वाद है।